हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल क्रिएटिव सत्या। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं और एक देश और एक कंट्री का एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है ग्रीस। तो और देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज, आज हम लोग ग्रीस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, जिसका मतलब ऑफिशियली नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। ये आपका यूरोप के साउथ ईस्ट में स्थित है। इसका टोटल पॉपुलेशन अराउंड 10.7 मिलियन है। इसका कैपिटल जो है एथेंस है, और ये ग्रीस का सबसे बड़ा राज्य है। ये आपका साउदर्न टॉप ऑफ बालाकंस में स्थित है, और ग्रीस जो है उसका जो साइड में लैंड बॉर्डर है उसका चारों तरफ, तो वहाँ पे जो देश है वो है अल्बेनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, बल्गेरिया एंड टर्की। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। जहाँ जो कि इसका जो लंबाई है 13,676 किलोमीटर है। और एक मज़ेदार बात है, यहाँ पे ग्रीस का देश में 80% वो जो जिसको बोलते हैं हम माउंटेन पर्वतमाला जिसको बोलते हैं वो है, और जो माउंट ओलंपियस है वो उनका सबसे उच्चतम पर्वतमाला है, जो जिसका हाइट है 2,918 मीटर्स। और इन लोगों का ऑफिशियली लैंग्वेज ग्रीक है, और यहाँ पे जो 100% रिलीजन रहते हैं वहाँ से 93% क्रिश्चियनिटी रहते हैं, और 4% इनका कोई रिलीजन ही नहीं है, और 2% इस्लाम एंड 1% अदर रिलीजन रहते हैं। और इनका प्रेसिडेंट का नाम है कैटरीना साकारो जो पोइलो, और इनका प्राइम मिनिस्टर का नाम है कारियाकम मिट्टीसोताकिस। और ये इंडिपेंडेंट हुआ था 25 मार्च 1821 को, और ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था 15 जनवरी 1822 को। और ये हमारा जैसा गणतंत्र राज्य है, ये दुनिया की पहली गणतंत्र राज्य है। ग्रीस में 250 से अधिक दिन सूर्य दिखता है, और ग्रीस में जो द्वीप है 2000 से ज़्यादा द्वीप है यहाँ पे। और यहाँ का जो साइकिल है, मतलब फीमेल लोग 77 ईयर्स तक बसते हैं, और जेंट्स लोग 82 तक बसते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज होते हैं और जेंट्स कम होते हैं। यहाँ पे 55% लेडीज 45% जेंट्स है टोटल। और यहाँ पे जो ओलंपिक खेल हुआ था हमारा, ओलंपिक खेल पहले यहाँ से ही जन्म लिया था, और यहाँ पे एक साल में 16 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट प्लेस है। और ये जैतून चास में नंबर 3 में, पूरी वर्ल्ड में नंबर 3 पर है। यहाँ पे जो लोग एथेंस का जो उनका ग्रीस का जो राजधानी है, वहाँ पे लगभग इस देश का 40% लोग वहाँ पे ही रह जाते हैं। और आपको एक फैक्ट बता होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हैं वो ग्रीक के ही थे। उन लोगों का 4,000 से ज़्यादा लोकल डांस रहता है, उन लोगों का पारंपरिक नृत्य जिसको बोलते हैं वो उन लोगों का 4,000 से ज़्यादा है। और बहुत कुछ जानने के लिए है,
इसी के बारे में। ये देश बहुत पुराना देश है। एक सर्वे के मुताबिक 1950 तक 30% ग्रीक के लोग एजुकेटेड थे, लेकिन अभी 95% तक लोग एजुकेटेड हो गए हैं। और एक मज़ेदार बात आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, पता नहीं है, जो स्कूल वर्ड है उसका ग्रीक के प्रोनाउंसिएशन में हिसाब करें तो उसका मतलब है फ्री टाइम। और ग्रीक के जो यूनानी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा और दूसरे एरिया में कहाँ पर बैठे हैं आपको पता होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है, वो है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के जो मेलबर्न है वहाँ पे लगभग 1.5 लाख यूनानी वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे जो बेस्ट विजिटिंग प्लेस है ग्रीस का वो है एथेंस, चाइनिया टाउन, सांतोरिनी, हर्सोनिसस, माइकोनॉस टाउन, तिसलीवी, क्रेटे, जागोरी, केफालोनिया, डेल्फी, इस तरह का लगभग 27-28 पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। और ग्रीस का देखने के लिए नज़ारा बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे समुंदर बहुत है, क्योंकि उसका चारों तरफ 4-5 समुंदर घेरा हुआ है पूरा देश को। और वहाँ पे टूरिस्ट इसीलिए जाना बहुत पसंद करते हैं वो जगह पे। और वहाँ पे भी एयरपोर्ट बहुत है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए एयरपोर्ट ज़रूर चाहिए ना, तो इसीलिए बहुत एयरपोर्ट वहाँ पे है। और बहुत साफ़ सुथरा देश है, ठंडी देश है, इसलिए वहाँ पे लोग, लेकिन वहाँ पे ख्रिस्टान धर्मी लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे। और पर्वतमाला होने के कारण वहाँ पे भी ठंडी बहुत पड़ती है और टूरिस्ट भी पसंद करते हैं वहाँ पे जाने के लिए। लगभग ही धूप के दिन में ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए। और जो ग्रीक लोग हैं वो ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं, और वो लोग का खान पान ज़्यादा, वो लोग चीज़ खाते हैं, चीज़ उनको बहुत पसंद होता है। और बोटिंग, स्काई डाइविंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा नदी तट नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे जो है समुंदर ही ज़्यादा होता है और नदी तट नहीं है। और बहुत पिकनिक प्लेस घूमने के लिए है वहाँ पे। और ग्रीस का लोग पहले क्या करते थे कि उनको बच्चे लोग जब 7 साल का होते थे तभी पढ़ाई के लिए जाते थे, लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अभी लोग सब पढ़ने जाते हैं वहाँ पे। अभी बहुत डेवलप्ड हो गया, लेकिन अभी उन लोग का GDP बहुत कट चुका है, क्योंकि लेकिन पहले बहुत स्ट्रांग उनका GDP था, लेकिन अभी GDP कट गया है। और टोटल जो एरिया उन लोगों का है, उस ग्रीस देश का टोटल एरिया जो है वो लगभग 1,31,957 किलोमीटर है, और 50,949 स्क्वायर मीटर है। तो ये लगभग ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग है टोटल 10.7 मिलियन लोग है। तो यही बात बतानी थी, और बात तो वो बताने बहुत देर, वीडियो लंबी होगी, लेकिन अभी इतना ही मुझे लगता है कि आपको जानकारी जो दिया हुआ है वो आप लोगों के बहुत काम पे आएगा। अगर काम पे आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और अपना भाई का नया यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि वो आप लोग के लिए और नई नई वीडियो लाए। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी है तो अच्छी कमेंट कीजिए और बुरी लगी है तो बुरी कमेंट कीजिएगा, कोई मुझे ख़राब नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं, मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्यावान, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोग को अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन ज़रूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।